आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब एंड हिमाचल ट्राई सिटी डिबेट में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ में चर्चा के लिए इस समय एक बड़ा खास पैनल जुड़ा हुआ है। मेरे साथ में हैं भारतीय जनता पार्टी के चंडीगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद, मेरे साथ में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सुभाष चावला और मेरे साथ में चंडीगढ़ प्रेस क्लब के अध्यक्ष और वरिष्ठ पत्रकार नलिन आचार्य जी हैं। मैं चर्चा शुरू करूं उसके पहले बताना चाहूंगा कि जिस तरह से बीते कुछ दिनों में राजनीति करवट ले रही है चंडीगढ़ में, चूंकि चंडीगढ़ में जो इलेक्टेड बॉडी है वो सिर्फ नगर निगम है और नगर निगम ही यहाँ के लिए विधानसभा भी है संसद भी है, तो नगर निगम में पास हुए प्रस्ताव ही यहाँ की जनता के लिए ज्यादातर 90% मसलों को सॉल्व करते हैं। तो उसी स्थिति में नगर निगम एक महत्वपूर्ण है और जिसका चुनाव आने वाले चंद महीनों के अंदर आने वाला है, तो ऐसी स्थिति में बहुत सारी चीजें जिस तरह से राजनीतिक करवट ले रही है, जिस तरीके से सबसे बड़ी जो सबसे पुरानी पार्टी है देश की कांग्रेस पार्टी उसको लेकर के सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि वही इस समय सबसे बड़ी विपक्ष भी है और सबसे बड़ी विपक्ष होने के कारण उसकी जिम्मेदारियां भी बहुत ज्यादा हैं। भारतीय जनता पार्टी जहां अपने को आगे से आगे लेकर के चल रही है, वो सभी तैयारियों में आगे से आगे जुड़ी हुई है, वही कांग्रेस पार्टी में उसी के अपने लोग उसे काटने में लगे हुए हैं। तो तमाम सारी ऐसी चीजें चल रही। अभी कल जो है भारतीय कांग्रेस पार्टी के जो पहले प्रदेश अध्यक्ष थे प्रदीप छाबड़ा, उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। उसके पहले वो काफी दिनों से नाराज चल रहे थे जब से उनकी अध्यक्ष पद से उन्हें हटाया गया था। उसके साथ साथ तमाम सारे और लोगों ने कांग्रेस पार्टी से छोड़ने का वो कर दिया। उधर आम आदमी पार्टी का लगातार कुनबा बढ़ता जा रहा है। उधर भारतीय जनता पार्टी अपने पन्ने लेवल तक की तैयारी कर चुकी है, एक एक मतदाता तक पहुंचने की तैयारी कर चुकी। तो ऐसी स्थिति में जिस कांग्रेस पार्टी से तमाम संभावनाएं व्यक्त की जाती हैं, तमाम सारी चीजें सोची जाती हैं कि वो करेंगे, तो ऐसी स्थिति में यदि कांग्रेस पार्टी में यही घमासान मचा हुआ है, जबकि शहर बिजली पानी और दूसरी तमाम नागरिक समस्याओं से जूझ रहा है, उसके बाद में राष्ट्रीय स्तर की तमाम समस्याएं हैं, चाहे बेरोजगारी हो, महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, दूसरी और चीजें, इन सब मुद्दों पर सरकार को घेरना और सत्तारूढ़ पार्टी को घेरने का जो काम करना चाहिए उसकी बजाय वो अपने अंदरूनी मसले में लड़ती जा रही है। तो ये है एक बड़ी समस्या हो गई है कि जहां चंडीगढ़ में एक उम्मीद की जा रही थी कि कांग्रेस पार्टी कुछ बेहतर करेगी और जिस तरह से जगाने का काम करेगी सत्तारूढ़ दल को, उसकी बजाय वो खुद में ही लड़ने में व्यस्त है। तो उसके कारण जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो लोकतंत्र के लिए एक जरूरी है कि एक विपक्ष सशक्त विपक्ष हो, वह भी भूमिका शायद नहीं अदा कर पा रही है। तो इस बारे में मैं चर्चा पहले जाना चाहूंगा सीधे नलिन आचार्य के पास। नलिन जी, जिस तरह की मैंने स्थितियां बताई, तो आपको क्या लगता है, आप शहर को जन्म से समय से लगभग देख रहे हैं और इसको समझते हैं, यहाँ की राजनीति को समझते हैं, यहाँ के तमाम सारे नेताओं को आपने देखा है। जी नलिन जी। अरे भाई, जिस तरह की स्थिति 6 महीने पहले सुभाष चावला जी के बनने के ऊपर कांग्रेस लग रही थी कि स्ट्रांग स्थिति में आ गई है और बीजेपी को इस बार मुकाबला देगी, लेकिन जो घटनाक्रम पिछले 10-15 दिन से शुरू हुए हैं, एक पूर्व अध्यक्ष जो पार्टी का एक स्तंभ था, पार्टी से निकल जाना और दूसरी पार्टी में जाकर शामिल हो जाना, इससे कांग्रेस को तो झटका लगा ही लगा है। दूसरा, जो आम आदमी पार्टी जो अभी तैयारी ही कर रही थी, जैसे उसने पंजाब में, उसका भी संगठन भी नहीं है, उनका संगठन नहीं है, उसकी पहले चंद्रमुखी शामिल होने के बाद उस संगठन को थोड़ी सी बल मिला, अब छावड़ा के साथ चले जाने से उसको काफी बल मिल रहा है, अभी लगातार वहां लोग शामिल हो रहे हैं, छावड़ा के साथ जो सहयोगी थे वो उनके साथ जा रहे हैं। तो इस स्थिति में जो कांग्रेस की स्थिति है वो काफी कमजोर हुई है और बीजेपी जो लग रहा था कि इस बार थोड़ा सा मुकाबले में पिछड़ जाएगी, तो इस स्थिति में अब वो लाभ की स्थिति में आने की दृष्टि में लग रही है। तो मेरा ये मानना है कि ये जो स्थिति है, कांग्रेस को अपना विपक्ष वाला जो आपने बोला रोल अदा करना चाहिए था, वो अपना रोल अदा करने के बजाय वो अपने आप में अपने आपस में ही डिफेंडिव लड़ने लगी हुई है और आपस में ही विपक्ष और सत्ता का काम कर रही है। ये बड़ी एक विचित्र सी स्थिति पैदा हो चुकी है।
मैं कांग्रेस पार्टी के पास इस पे जवाब लेने जाऊं उसके पहले मैं सूद साहब के पास जाना चाहूंगा। सूद साहब, आपको तो लगता है खुला मैदान मिल गया है और जो आपको थोड़ी बहुत मुश्किलें हो सकती थी मुझे लगता है आसान सी दिख रही हैं। जी सूद साहब, मुझे सुन पा रहे हैं सूद साहब? हाँ जी, हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, मेरी आवाज आ रही है, बताएं। जी आ रही है, बताएं। शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी अपने बल पर, अपने कार्यकर्ताओं की ताकत पर जो है आज चुनाव लड़ने जा रही है और चुनाव जीतने जा रही है। कांग्रेस में क्या हो रहा है, कांग्रेस सशक्त है, कांग्रेस बिखरी हुई है, शायद इससे हमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आपने अभी जैसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने पन्ना प्रमुख तक, पन्ना कमेटियां तक, हर वोटर लिस्ट के पेज पर 3 लोगों की नियुक्ति, जिसमें एक महिला भी, हमने स्तर तक अपने संगठन को मजबूत कर लिया और लगातार हमारा संगठन जो है वो अपने गतिशील है। और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस आज कहीं पिक्चर में भी नहीं, भारतीय जनता पार्टी के मुकाबला तो बहुत दूर की बात है। मैं तो कहूंगा पहले वो अपना घर संभाले, घर को दुरुस्त कर लें, शायद यही उनके लिए आज सबसे बड़ा चैलेंज है। जी जैसा कि चावला साहब जिस तरह से कहा, बताया सूद साहब ने, जिस तरह से नलिन जी ने कहा, क्या कहेंगे? आपको लगता है कि आप इस स्थिति में हैं, आपको चैलेंज मिला है, एक 6 साल से जो एक प्रदेश अध्यक्ष था वो हट गया, हटने के बाद में दूसरे दल में चला गया, अब इससे आपको क्या लगता है कि आपके और आपके जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं पवन बंसल, क्या वो मिलके भी यहाँ पर कोई टक्कर दे पाएंगे भारतीय जनता पार्टी को, आम आदमी पार्टी को, या फिर वही स्थिति होगी कि 3 पार्षद लेकर के कांग्रेस पार्टी खड़ी हो? जी चावला साहब। शुक्ला जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। शुक्ला जी, आपका और नलिन आचार्य जी का जो आकलन है जी, वो सिर्फ 10 दिन की घटनाओं को लेकर हो रहा है, ये वाजिब नहीं है। इससे कोई नतीजा नहीं निकाला जा सकता कि कांग्रेस की स्थिति आज क्या है। ये होता है राजनीति में कि जो चीजें आजकल में घट रही हैं लोग उस पर ज्यादा टिप्पणी करते हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि छावड़ा साहब के होते हुए भी कांग्रेस कमजोर नहीं थी और आज उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। पिछले 6 महीने में जब से मुझे मौका मिला है, इन 10 दिनों को छोड़ दीजिए, उसके पहले जिस तरह से कांग्रेस ने चंडीगढ़ में पानी के मुद्दों को लेकर, सफाई व्यवस्था को लेकर, प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर जिस तरह हमने प्रदर्शन किए, और सूद साहब समेत, मेयर साहब समेत इनके सभी पार्षदों के घरों का घेराव किया, ये पहले किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किया था। एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लेकर ऊपर जितना बड़ा प्रदर्शन हमने दोनों 21 सेक्टर के पेट्रोल पंपों पे किया, उसमें हमारे खिलाफ इन्होंने एक प्रेशर डाल के मेरे और मेरे साथियों के खिलाफ 5 FIR करवाई। अगर हम इतने ही कमजोर थे तो इन FIR करवाने की जरूरत नहीं थी। उसके बाद जो 22 सेक्टर का जो हमने पिछले दिनों प्रदर्शन किया है वो अपने आप में अभूतपूर्व था। ये चीजें दर्शाती है कि कांग्रेस पहले भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है और आगे के लिए भी हम मजबूती से चुनाव में उतर रहे हैं। जो जिक्र जो छावड़ा साहब का और जो दूसरा हो रहा है, मेरा छावड़ा साहब को, मैं उनके जाने और जाने पे को टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे ये बता दीजिए कि आप उस पार्टी को डिस्कस कर रहे हैं, 7 साल हो गए हैं जो अब चुनाव पहला लड़े थे वो गुलपनाग जी, और आज तक वो अपना संगठन नहीं खड़ा कर पाई, जो पार्टी जो रोज इस बात के ऊपर ही निर्भर कर रही है कि आज हम कांग्रेस के 2 आदमी तोड़ के हम अपने ज्वाइन कर लिए, कल हमने 2 BJP के तोड़ लेंगे, चुनाव भी हम इनके सिर पे लड़ेंगे, तो उस संगठन के बारे में चर्चा करना भी वाजिब है। चावला साहब, सबसे पहले तो एक चीज मैं बोल दूं कि BJP से तो टूट नहीं रहा है ना, यही तो समस्या है, सिर्फ आपके यहां से टूट रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, चंडीगढ़ का इतिहास रहा है, जब जब भी पार्लियामेंट के चुनाव आते हैं या कॉरपोरेशन के चुनाव आते हैं, पार्टी के बड़े बड़े लीडर एक दूसरे की पार्टी को छोड़ के जाते हैं। ये मैं इतिहास 40-45 साल का मैं जानता हूं। आप इनसे पूछिए, जब किरण खेर जी को टिकट मिली थी तो उनका स्वागत हवाई अड्डे पे अंडों के साथ किसने किया था? उसके बाद कौन सी पार्टी इनके बड़े लीडर का छोड़ के गए थे, हरमोहन धवन के नहीं गए थे? उसके बाद इनसे पूछिए कि रामस्वरूप शर्मा जी, यगदश शर्मा जी के जो इनके अधिकारी कैंडिडेट थे, उनके खिलाफ इलेक्शन लड़े थे कि नहीं लड़े थे? या इनसे ये पूछिए अरुण सूद जी से कि ज्ञानचंद गुप्ता जी जो आज मेयर विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर हैं विधानसभा के, उनके गले में जूतों का हार किसने डलवाया था और कौन कौन लोग उसमें उनके ऊपर मुकदमे रजिस्टर हुए थे? इनसे ये सारी। और दूसरी सबसे बड़ी बात, सतपाल जैन जी टिकट का विरोध करने के लिए इसी कमलम में इनके दफ्तर में परसराम नाम के एक पार्टी के वर्कर को जलाकर मार दिया गया था,
और जयराम जोशी इनकी पार्टी के अध्यक्ष। शुक्ला जी हमारे पास समय बहुत कम है। जयराम जोशी मैं आ रहा हूँ आप ही के पास। जयराम जोशी जी को पार्टी से निकालना पड़ा इनको, उनके ऊपर इन्होंने एलिगेशन लगाए थे इनकी पार्टी ने कि उनकी पार्टी के अध्यक्ष ने एक परशुराम नाम के आदमी के उसके बगल में मिट्टी के तेल की बोतल दे दी कि जब जैन साहब आएंगे आप विरोध करना, अपने ऊपर तेल डाल लेना और हम तुम्हें कंबल से बचा लेंगे। ये घटनाएं हमारी पार्टी में नहीं हुई। इनके संगठन चुनाव में पिछली बार टंडन जी के और ज्ञान के धर्मपाल गुप्ता जी के टाइम में चुनाव के दौरान इनके अपने दफ्तर में लाठियां चली, इनके सिर फूटे। ये आज इनको 10 दिन के हमारी पार्टी के नजर आ रहे हैं। चावला साहब इसमें इनको अपना इतिहास याद रखना। चावला साहब सबसे सवाल लेने हैं टिकट के मामले में झगड़ा करके इनकी पार्टी को छोड़ के गए हैं। सवाल लेने हैं, सबसे सवाल लेने हैं। रिश्ते कराए हैं एक दूसरे में। एक नलिन जी मैं आपके पास आता हूं कि चावला साहब जिस तरह की बात कर रहे हैं, क्या उससे जो कांग्रेस की आज मौजूदा स्थिति है उसमें कुछ सुधार हो जाएगा? क्या इतिहास के इन पन्नों को उखाड़ने से क्या सुधर जाएगा? नलिन जी जो पार्टी अपना इसके बाद मैं जाऊंगा, जिस पार्टी का अपना इतिहास इतना गंदला हो। मैं चावला साहब एक मिनट आप जवाब दे लेने दीजिए, दूसरे को भी जवाब दे लेने दीजिए। मैं आता हूँ। ये नलिन जी, जिस तरह से आप पत्रकारिता में देखते आए हैं इतने सालों से, क्या जिस तरह से चावला साहब ने आज सारे आरोप लगा दिए, उससे क्या ये लगता है कि उससे कांग्रेस पार्टी की दशा सुधर जाएगी? मैं वही तो बीच में बोलने की कोशिश कर रहा था। चावला जी जिस तरह पुराना इतिहास बीजेपी का दिखा रहे हैं, तो अब इनकी पार्टी में वही इतिहास दोहराने जा रहा है। जो काम चल रहा है आजकल वो नरेंद्र जी, मैं एक सेकंड आपको टोकता हूँ। मैं आपके पास आऊंगा। मुझे आप एक बात का जवाब दीजिए। पिछले चुनाव में इनके खिलाफ, इनकी पार्टी के मेयर के खिलाफ नॉमिनेशन भरे गए हैं। अभी लेटेस्ट इन्हीं के अरुण सूची के कार्यकाल में चावला जी, ये क्या था चावला जी? पर बीजेपी इस चीज को मैनेज करने में तो माहिर है ना, लेकिन आपने तो वो भी नहीं कर पाए। नहीं, क्या करें मैनेज हम? आपका एक बहुत बड़ा लीडर आपके हाथ से छूट के चला गया। ये समय बताएगा चुनाव आ रहे हैं सिर पे, पता लग जाएगा। मैं कोई ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, जनता बताएगी। लीडर हमेशा पार्टी के साथ बड़ा होता है। मैं आपको एक बात बता दूं, पार्टी है, पार्टी में है तो लीडर बड़े हैं। अब बड़े होंगे वो जाके अगली पार्टी में जाके उनको इस बात को साबित करना पड़ेगा। जब तक वो कांग्रेस में थे बड़े लीडर थे, जब वो कांग्रेस से बाहर चले गए आप जाके उनको साबित करना है कि बड़े लीडर हैं या नहीं है। शुक्ला जी मैं कुछ कहूं, इनकी पार्टी में तो अभी चार चार आदमियों ने क्रॉस वोटिंग की है। इन्होंने तो अभी इंक्वायरियां बिठाई उनके ऊपर, पार्टी में निकालने तक की सिफारिशें कर रहे हैं। सूजी कहे कि इन्होंने अपनी पार्टी को चिट्ठी नहीं लिखी कि चार काउंसिलरों ने उसमें जाके क्रॉस वोटिंग की, इनको पार्टी से निकाल दिया जाए। ये बोले कि इन्होंने चिट्ठी नहीं लिखी। शुक्ला जी मैं बात करूं, शुक्ला जी कहां गए? हमसे ज्यादा पार्टी में फूट, हमसे ज्यादा सिर फुटबॉल, हमसे ज्यादा पार्टी में क्रॉस वोटिंग ये भारतीय जनता पार्टी में हो रही है। आज क्योंकि 10 दिन की घटनाओं को लेकर पूरे चंडीगढ़ में बवाल मचा रखा है कि कांग्रेस कमजोर हो गई। एक कांग्रेस में बहुत बड़े बड़े लीडर गए और बड़े बड़े लीडर आने वाले हैं। ये आपकी बौखलाहट बता रही है, आप मुझे बोलने दीजिए। मैं बौखलाहट नहीं रहा, मैं बौखलाहट नहीं कर रहा। मुझे सुनिए, हो रही है कांग्रेस के ऊपर, दस दिन के आकलन पे हो रही है, इतिहास पे नहीं हो रही, ना भाजपा की हो रही है ना कांग्रेस की हो रही है। कांग्रेस का भला नहीं होने वाला, ये चिल्लाने से कांग्रेस का भला नहीं होने आपके वाला। आपके हंसने से भी पार्टी मजबूत नहीं हो जाएगी, आपके हंसने से भी कांग्रेस नहीं बीजेपी जीत जाएगी। चावला जी दया आ रही है, मुझे दया आ रही है। आप जितना मर्जी मजाक करते रहे, चावला जी गंभीर हुए ही नहीं। आप चावला जी गंभीर ही नहीं हुए। चावला जी आप क्या रो रहे हैं? चावला जी प्लीज, बड़ी दयनीय स्थिति में आप, बड़ी दयनीय स्थिति में, मुझे बड़ा दुख हो रहा है। चावला जी आप मानते नहीं है, मतलब बीजेपी ने जो 6 महीने पहले अपना मैनेज कर लिया सारा इलेक्शन, और कांग्रेस अपना इलेक्शन को अपने अपनी लड़ाई में बदल के रख दिया सारा मैदान। आपका जो आपका सजा सजाया मैदान था वो आप सारा खराब कर लिया। बीजेपी ने नीचे तक निचले स्तर तक अपनी तैयारी कर रखी है। हम कहां खड़े हैं हमें मालूम है, ये हमने इलेक्शन लड़ना है और हमारी तैयारी है। हम बीजेपी को नाक को चने चुभाएंगे इस बार, इनको दिखा देंगे कि चुनाव लड़ा कैसे।
जो स्थिति है। चावला साहब, नलिन जी, एक सेकंड सूद साहब को जवाब दे लेने दीजिए। सूद साहब, जो स्थितियां बोली हैं आज चावला साहब ने, क्या आपको लगता है उससे कि भारतीय जनता पार्टी बड़े नुकसान में चली जाएगी? जो बातें बताई हैं उन सारी बातों को आज जनता याद करेगी। क्या आम आदमी पार्टी जिस तरह से उठ रही है उससे क्या मुकाबले हो पाएंगे? क्या ये स्थितियां एक चुनौतीपूर्ण नहीं है चंडीगढ़ के लिए? जी शुक्ला जी, सबसे पहले तो मैं चावला जी को एक सलाह देना चाहूंगा, जो हमें नाको चने चबाना चाहते हैं ना, चुबाने के ही बात करते हैं ना, पहले अपने घर को संभाले। पर अभी ये शुरुआत हुई है, अभी बीच में बोलेंगे तो मैं इनको बोलने नहीं दूंगा। नहीं नहीं, चावला साहब, चावला साहब प्लीज सुन लीजिए, फिर आप बोलिएगा, आपको मौका दूंगा, कुछ भी बोलेंगे। हाँ, चावला साहब, आपको मौका दूंगा, घर को संभाले। और जो अभी शुरुआत हुई है, अभी तो आगे आगे देखिए होता क्या। दूसरी बात, यही तो कहते हैं आगे आगे देखिए होता क्या है। आप अपनी पार्टी को संभाल के रखना, कितने लोग आ रहे हैं। चावला साहब सुन तो लीजिए, सुन लीजिए, देख रही है, कम से कम यहाँ एक्टिंग तो कर लीजिए, यहाँ तो मत चिल्लाइए, रोइए मत। 25 साल का इन्होंने इतिहास बोल दिया, पारसराम फलाना फलाना फलाना। 2014 के बाद ये नाको चने के कहते 2014 के बाद हमने इनको आज तक के सबसे बड़े लोकसभा मार्जिन से हराया, 2019 में फिर हराया, और 2016 में हमने इनको ऐसी ऐसी जो पटकनी दी है कि ये याद करेंगे। और आगे चावला साहब, मैं आपको चैलेंज दे देता हूँ, यही तो आपको बिठाएगा इस बार। चावला साहब सुन लीजिए, वो चैलेंज दे रहे हैं, सुन लीजिए, चैलेंज दे रहे हैं। मैं चैलेंज दे रहा हूँ चावला साहब को, एक चावला साहब, आप तो नाको चने चबाने की बात तो भूल जाइए। आप 35 सीटों में अगर आपका खाता खुल गया ना, अगर खाता खुल गया, एक सीट आ गई, तो मैं आपकी जीत मान लूंगा। मेरा चैलेंज आज आपको, आप ऐसे करो, अपने घर को आप ऐसे करो, आपके पास एक बात सुनो, जितने बड़े आप प्रदर्शनों की बात कर रहे थे ना, आप चैलेंज कर रहे हो ना, आप बात करते हैं, चैलेंज कर रहे हो, सुनो मीटिंग, मेरी बात सुनो, आमने सामने लड़ते हैं, करो पार्टी में फैसला। आप फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा घमंड में हो ना, मैं और आप दोनों पर मुकाबला करते हैं, किसी वार्ड में आ जाओ, पार्टी का जो मेरा पार्टी किसी वार्ड में आ जाओ मेरे मुकाबले में, अगर मैं हार गया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मेरे साथ धनास में लड़ लो, ओ भाई साहब, आप है आप ना काउंसलर के काबिल है, लड़िए करो ना, आप लड़िए, हिम्मत करो, आप मैं चंडीगढ़ में पूरी 35 सीटों पे लड़ रहा हूँ, मेरे मुकाबले में खुद लड़ो, दे दिया आपको, अगर मैं राजनीति छोड़ दूंगा मैं हार गया तो, मेरे को आप जैसे व्यक्ति को बहुत आसान है, मजबूत बहुत आसान है, आओ मेरे सामने लड़ो, मेरा तो छोटा कार्यकर्ता बहुत है, मुझे तो आप चैलेंज कबूल करो ना, फिर अगर बहुत छोटा सा मजबूत है, मेरे सामने लड़ो, आपकी पीठ लगा देगा, मेरा तो लड़ो ना मेरे सामने, न्यूट्रल आपको ऐसी दूर करता है, किस वार्ड से दोनों लड़ना है, मैंने तो आप एक सीट पर जी कहता है कर दे, किस वार्ड से लड़ना, मैं आपके खिलाफ लड़ता हूं, राजनीति छोड़ दूंगा अगर मैं आपसे हार गया तो, खाता खोल के दिखाना चावला साहब, मैं खाता तो मेरा एक आपकी बात कर रहा हूं, आप लड़ो मेरे सामने, पहले आप भी पार्टी के अध्यक्ष हो, मैं भी पार्टी का अध्यक्ष हूं, आप रूलिंग पार्टी के हो, आपका प्रधानमंत्री आपका है, मेंबर पार्लियामेंट आपका है, लड़ो मेरा चैलेंज है मेरा खुला, आपको पार्लियामेंट के लिए कौन सी मर्जी सीट पे लड़ रहे हैं, आपकी बहुत पार्टी है ना, कैंसर है, आज आप पूछ रहे हैं कहाँ है आपको, तो सब कुछ पता था कहाँ है, आज आप जिस दिन वो आपको पब्लिकली मैंने बताया, आपने तो प्रधानमंत्री आपका है, बोलो किस सीट पे लड़ना है मेरे मुकाबले में, हम दोनों लड़ते हैं, पहले मैं 35 सीटों पर लड़ रहा हूँ आपसे, मैं 35 सीटों पे लड़ रहा हूँ, आप खाता खोल के दिखा देना, ये क्या मेरा चैलेंज है, मेरे मुकाबले लड़ना नहीं चाहते, आइए मेरे मुकाबले में लड़िए, आप कोई आके ऐरा गहरा मोदी को बोलेगा कि मेरे को खा के लड़ो, भाई साहब आपके आपके आप तो हमारी मेरा चैलेंज कबूल करो ना, आपकी गिनती में ही हो भाई साहब, मेरे मेरे मुकाबले लड़िए ना, मैं छोड़ दूंगा, कॉन्सेंट्रेट कीजिए, मैं 35 में कर रहा हूँ,
चावला जी, चावला जी, नलिन जी, नलिन जी कुछ कह रहे हैं। चावला जी, ये प्रधान है कांग्रेस पार्टी की, जो एक सीट पे चुनाव पे अपने आप को कंसंट्रेट कर रहे हैं। चावला ने मान ली है, प्रधान प्रधान को चैलेंज कर रहे हैं इन्होंने। चावला जी जैसे 35 सीटों पे चैलेंज करता है, 35 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी का प्रधान आपको चैलेंज करता है। आइए चावला जी, आपको 35 सीटें चैलेंज करो, मेरे खिलाफ तो लड़ लो, 35 में तो बाद में लड़ना। ओ भाई साहब, मेरा चावला जी, मैं बीजेपी का रूलिंग पार्टी का प्रधान हूँ, मैं कह रहा हूँ, यही तो आपको घमंड दिखाएगा इस बार, आपको जनता समझ आएगी इस बार, यही आपका घमंड, यही आपकी नीतियां, यही जनता की जो कमर तोड़ी है चंडीगढ़ में आपने, जो हाल नगर निगम का किया है, जो नगर निगम को लूटा है आपने, तो जनता आपको सिखाएगी इस बार कि आप खड़े कहाँ हैं। चावला जी, मैं तो बड़ा दिखाओ ना, पहले 144 शहर में लोग कदर क्या करेंगे, जो अपने आप को नहीं संभाल सकती वो चंडीगढ़ को क्या संभालेगी, जिसने अपने अपने प्रदीप छाबड़ा की बेइज्जती की, जहाँ अपने पूर्व अध्यक्ष का सम्मान नहीं करता इसी पार्टी को, आपने तो उनके घर पे जाके काले झंडे नहीं करेगी, आपने तो उनको गले में सोने के हार डाले थे। ये पवन बंसल की पार्टी है, परिवारवाद की पार्टी है, पार्टी नहीं है, कांग्रेस पार्टी है, पवन बंसल भी हमारे कांग्रेस के एक नेता है। हाँ जी, हाँ जी, पवन बंसल की पार्टी कांग्रेस है, सबसे पुरानी पार्टी है, देश पार्टी के एमडी है। चावला जी, चावला जी, एक मिनट बीच में मैं इंटरप्ट कर, अब लड़िए ना मेरे साथ, बोलिए बोलिए नलिन जी, बोलिए, हिम्मत है तो लड़िए। चावला जी, पार्टी है, चावला जी, सूर साहब ने तो कहा है मैंने 35 सीटें जीत रहा हूँ, आप कितनी सीटों का क्लेम करते हैं? हम इनको 30 सीटें जीतेंगे, 30, मैं इनके तरह नहीं बोलता, 30 सीटें जीतेंगे, और मैं आज 30 सीटें बनने के बाद मैं चाहूंगा कि आप हमारे साथ इसी पैनल बना के हमारे सामने बैठे। चलिए, 5 सीटें पहले ही कम कर दी है चावला साहब ने, मैं लोकतंत्र है जी, ये 5 में तो हार मान गए जी, हम चाहते हैं कि 5 सीटें इनको दे के एक विपक्ष की भूमिका में रखो इनके, कम से कम चावला साहब ने 5 सीटें आप छोड़ रहे हैं, हम बीजेपी बीजेपी चावला जी अपनी मिटाइए, चावला जी जो 5 मिटाइए अपनी, चावला जी, चावला जी 5 सीटें आप छोड़ रहे हैं, अभी तो देखिए आपको क्या क्या झटके लगेंगे, अभी तो आगे आगे देखिए। चावला जी 5 जो सीटें छोड़ रहे हैं आप, वो क्या हार्मोन दबन वाली सीटें हैं जिनके साथ आप अलायंस करने जा रहे हैं? ये आपको ज्यादा मालूम होगा, मुझे तो नहीं मालूम अभी। चलिए, मतलब जो शुक्ला जी है, शुक्ला जी, जी शुक्ला जी, मेरा सिर्फ निवेदन ये है, ये तो चावला साहब ने बहस को जो है और तरह से मोड़ दिया। चावला साहब बड़े जो है मच्योर आदमी है, मेरा इनसे कि ये निवेदन है, एक छोटे भाई के नाते भी, और हमारे मेरे कुलीग रहे हैं मेरे साथ, हमने कारपोरेशन में इकट्ठे 5 साल बिताए हैं, मेरा एक इनको सुझाव है, इस तरीके की किसी दूसरे के उस पे, मैंने जब अपनी बात शुरू की थी तो मैंने बात कही थी कि मैं अपने संगठन कांग्रेस में क्या हो रहा है नहीं हो रहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने एक मिनट सूद साहब को भी सुन लीजिए। हाँ जी जी, तो मैं ये कह रहा था, ये मेरा इनको सुझाव है, चुनाव मुद्दों पे लड़ें, आए मुद्दों पे चुनाव लड़ें, इनको लड़ेंगे ये चुनाव, पारसराम का क्या हो गया, पारसराम की और 25 साल, चावला साहब आप लड़ते हो राम मंदिर के नाम पर, मेजोरिटी से आप लड़ते हो मोदी जी के नाम पर, बोलना मुझे, आप लड़ते हो फिल्म इंडस्ट्री के नाम पर, हम तो विकास के नाम पे लड़ेंगे। चावला साहब एक सेकंड, मुद्दे ही नहीं है, खत्म हो रहा है, ले लेने दो, इनके पास मुद्दे ही नहीं है, ये आज इसी तरीके की बातें कर रहे हैं, इनका घर पूरा बिखरा हुआ है, ना इनके पास मुद्दे हैं, इनकी पार्टी जो है परिवारवाद से ग्रस्त है, आज वो जिस प्रकार से वो चंचल जी ने आपकी एक डिबेट में कहा था कि वो धृतराष्ट्र ने
अपने पुत्र मोह के कारण से जो है वो पूरी सारी वो अस्त्रपुर को सर्वनाश कर दिया था। मोदी जी के बारे में कांग्रेस का कुछ बोलूं कि वो क्या है चंडीगढ़ में जिस प्रकार की आपके मोदी जी के बारे में शब्द बोल दूं, कुछ संगठन है ना आपके पास, संगठन है ना आपके पास, कार्यकर्ता है, नेता यहाँ नहीं बैठा की पूजा करते हैं। अगर मैं मोदी जी के बारे में पूजा की पूजा बोल दिए ना चंडीगढ़ में भी प्रभात की पूजा करते हैं और मेरे यहाँ पे कार्यकर्ताओं की पूजा होती है, मेरे यहाँ कार्यकर्ताओं का सम्मान होता है। मेरे यहाँ प्रदीप छाबड़ा को ये नहीं कहा जाता कि बकवास मत कर, ग्रुपों में लिख जो लिखना है। एक पूर्व अध्यक्ष से ऐसे नहीं बात की जाती, जिस तरीके से आपसे जैसे मैच्योर आदमी ने कहा, एक बात सुन लीजिए। चलिए चलिए चलिए, वक्त की सीमा थी, वक्त की सीमा है और हम चर्चा को, इन्होंने एक बात का जिक्र किया है, इनसे पूछो इनके हाउस के अंदर इनकी प्लेयर ने इनके भौंकना बंद करो, फेसबुक पे चलिए 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 चलिए, अब चर्चा की चर्चा मैं तो सोच रहा था चर्चा होगी, दोनों पार्टियों के अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष बैठे हैं, लेकिन चलिए चलिए चर्चा को यही समाप्त करते हैं क्योंकि समय की सीमा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी